टीवी 7 न्यूज हिंद, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अब जैसे आप जानते हैं कि इस दौड़ती भागती दुनिया में किस तरह लोग अपने मोटापा को लेके और अलग अलग तरह की बीमारी को लेके परेशान है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि दौड़ते भागते जिंदगी में हम अक्सर लंच करना, ब्रेकफास्ट करना और डिनर भूल जाते हैं। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मशहूर डॉक्टर और जाने माने एक व्यक्तित्व जिनका नाम है डॉक्टर मौजूद है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और सबको सादर प्रणाम। जैसा आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि आजकल भागती दौड़ती दुनिया में किस तरह से लोग इतने परेशान हो, लोग अभी लंच और ब्रेकफास्ट का समय नहीं मिलता है, ऐसे में वो भूखे चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या कुछ किया जाए। देखिए, बात सही है, क्योंकि कॉर्पोरेट युग में ड्यूटी भी आए दिन चेंज होती रहती है, कभी सुबह का, कभी दोपहर का, कभी रात का, खाना खाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, हरी भरी करी रहता है। तो ये है कि दौरान हम लोग सबसे अच्छा उपाय एक ही कर सकते हैं कि घर का खाना खाएं। अगर घर का खाना नहीं खा पाते हैं तो जंक फूड न लें। अगर जंक फूड लेते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 दिन हमको इंटरमीटेंट फास्टिंग करनी पड़ती है। अगर इंटरमीटेंट फास्टिंग रखते हैं तो आपको इन जंक फूड से और तरह तरह के ज्यादा कैलोरी वाले फूड से निजात पा सकते हैं। ये हम लोगों का क्लिनिकल ट्रायल सुभाषी मेडिकल कॉलेज में किया है हम लोग, और देखा है कि इससे कॉर्पोरेट हेल्थ बहुत ही अच्छा सुरक्षित रहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो आपको फैट अगर बॉडी में है, या बहुत ज्यादा शुगर खा लिया, मीठा खा लिया पार्टी में, तो वो सारी चीजें निकल जाती हैं। 12 से 18 घंटे की फास्टिंग रखी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी कि आप आराम से नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, आप आराम से डिनर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दिन में लंच बहुत अच्छा बना है, क्योंकि लंच और डिनर में बहुत सी आजकल निगोशिएशन बिजनेस का होना शुरू हो गया है कि 2010 में सबसे पहले बरिस्ता कैफे शुरू हुआ था कनॉट प्लेस में, तो उस समय लोग टेबल बुक करा के और वहां पे डिस्कशन किया करते थे। आज जितने भी KFC हुआ, मैकडोनल्ड हुआ, तरह तरह के जितने भी कैफे हाउस है, वहां पे आदमी और लोग जाके बैठते हैं, हमारी महिलाएं भी जाके बैठती हैं, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत आगे हैं इस समय दिल्ली NCR में, और इन लोगों के हाथ में पूरा कॉर्पोरेट युग आ गया है, तथा ये लोग मल्टीनेशनल कंपनीज भी चलाती हैं। लेकिन डाइट में आप वहाँ पे हम आप पराठा नहीं खा सकते, तो बट नेचुरल है कि वहाँ की जो लोकल डाइट है, इटालियन डाइट है, कभी चाइनीज फूड है, जापानीज फूड है, वो लोग लेते रहते हैं। तो अब इसमें बस यही है कि आप खाइए, लेकिन थोड़ा कम खाइए, पानी थोड़ा धीरे धीरे करके पीजिए, बार बार पीजिए, कोशिश ये करिए कि सेकेंड मील जो है वो 12 घंटे के बाद हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे आपकी टोटल बॉडी का मेटाबॉलिज्म अपने आप रेगुलेटेड होगा और बॉडी में एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं रहेगा, आराम से निकल जाएगा। जी एक सवाल आपसे, दूसरा सवाल ये रहेगा कि अक्सर लोग आजकल भूखे पेट सो जाते हैं या फिर बिना नाश्ता किए ऑफिस चले जाते हैं, दफ्तर चले जाते हैं, तो इंटरमिटेटिंग फास्टिंग होती क्या है एक्चुअली, ये किसी को नहीं पता है, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, बहुत अच्छी बात कहा आपने, क्योंकि आजकल हम लोगों का ये हो गया है नियम कि 7 से 7, माने 7 बजे अगर आप नाश्ता कर लेते हैं, फिर 7 बजे आप खाना खाइए आके रात में, तो ये भी चीज है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 बजे अपना नाश्ता करके गए और अपना लंच लिए 2-3 बजे, लेकिन रात का खाना नहीं खाते। कोशिश ये करें कि रात का ना खाना खाएं, क्योंकि कारण ये है कि रात का खाना अब्जॉर्ब नहीं होता, सवेरे दिन भर पेट में पड़ा रहता है, फिर शाम को जो है थोड़ा बहुत निकलता है, या 2 दिन तक पड़ा रहता है। तो ये कोशिश हम लोगों ने क्या किया कि इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करा दिया। इंटरमिटेंट के मतलब ये है कि शाम का खाया तो दूसरे दिन वो शाम को भी खाएगा, 6-7 बजे खाएगा, तो उसका फैट और एक्स्ट्रा कैलोरी निकल जाएगी, जिससे कि इंटरनल ओबेसिटी नहीं होती है, क्योंकि ओबेसिटी होने पे आर्गन लोड बनता है और किडनी भी खराब, हार्ट भी खराब, तथा जॉइंट्स भी डिस्टर्ब रहता है, और गैस्ट्रिक
भी इरिटेशन होता है, इसके कारण ये परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो हम लोगों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्टेड होता है और निकल जाता है और बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। जी अच्छा, ये तो आपने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, बट तीसरा सवाल ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो लोग करते हैं इसका उनके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है इसका? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। चार तरीके से हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। पहला तो ये 12 घंटे और 18 घंटे वाला। दूसरा जो है अल्टरनेट डे खाना खाना, जैसे स्टीव जॉब जो है अल्टरनेट डे खाना खाते थे, तो चूंकि उनको ब्लड कैंसर था उनको कैलोरी बहुत रिस्ट्रिक्टेड देनी होती थी। और दूसरा जो है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस वाले, जैसे शुगर के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि डॉक्टर के सलाह से अपना करें। तो फायदा तो काफी है, नुकसान भी इसमें काफी है, क्योंकि कई बार जो है कैलोरी एक्स्ट्रा लेने की बजाय जो है कम कैलोरी लिया लेकिन दूसरी मील जो है बहुत हेवी ले लिया, इसके कारण जो है पाउंड दोबारा जो है मैंने बहुत ज्यादा कैलोरी अब्जॉर्ब हो जाती है, एक तो ये। दूसरा, हम बच्चों में नहीं दे सकते, बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, क्योंकि ग्रोथ पीरियड में होता है, वो बदला ग्रोइंग रहता है और धीरे धीरे अपना टिश्यू मेंटेन होता है, लंबाई भी बढ़ती है, तो बच्चों में नहीं दे सकते कर सकते। दूसरी चीज जो है प्रेगनेंसी में भी नहीं कर सकते, कैंसर वाले मरीजों में भी नहीं, जो मरीज बीमार है या जिसका ऑपरेशन है उनको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करा सकते, ये सब चीजें हैं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि अगर फास्टिंग हमेशा करते रहे तो बाद में बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज भी हो जाता है, इसलिए आप एक महीने दो महीने करके छोड़ दें, फिर रेगुलर अपना खाना खाएं, अपना बॉडी वेट देखें और उसके बाद फिर आप इसको रेगुलेट करें, यही हम लोग सिखाते हैं। जी बहुत जानकारी के लिए। खास हमारा अभी एक अगला सवाल ये है कि जैसा आपने बताया कि हम ग्रोथ पीरियड में युवाओं के साथ नहीं करवा सकते ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन में एक सवाल ये भी था कि किस एज से किस एज तक ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कौन कर सकता है, जैसे कि 60 साल के जो होते हैं वो तो नहीं कर सकते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कर सकती है, हम कर सकते हैं, लेकिन जो 60 साल से ऊपर के हैं, जो 60 साल तक है वो नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए ये है कि हम लोग मिनिमल मिनिमल कहते हैं, मैंने एक प्लेट में छोटे प्लेट में थोड़ा सा खाना दें और बार बार खाना दें, मल्टीपल डाइट दें, मैंने 4-5 बार दें उनको, और स्मॉल अमाउंट में दें, स्मॉल वॉल्यूम में दें, और पानी भी स्मॉल मैंने 20 ml to 30 ml पीते रहें, तो ये 60 से 70 साल वालों के लिए ये डाइट बड़ा ही अच्छा है। कोशिश ये करें कि तीनों चीज मिला के दें, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट, ये तीनों चीज मिला के दें, तो उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इंटरवल की जरूरत पड़ती है, और इससे बहुत ही अच्छा उन लोगों का रेगुलेट होता है। हमारे पास कम से कम 10 पेशेंट ऐसे हैं जो 65 साल से ऊपर हैं, उनको हम लोगों ने यही माइक्रो डाइट कर दिया है कि विटामिन दें और एनिमल प्रोटीन कोशिश करें कि ना लें, और प्लांट प्रोटीन लें तथा 4 से 5 बार खाएं और हर 2-2 घंटे के बड़ा कंट्रोल। क्या इसको मोटे लोग कर सकते हैं जो कि अपने हेल्थ से बहुत परेशान है? अक्सर आजकल मोटापा सबके ऊपर बहुत प्रभावी है, तो उस मोटापे को कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना प्रभावी है? बहुत ज्यादा प्रभावकारी है, क्योंकि इसमें जो 12 घंटे वाला है वो तो नॉर्मल लोगों के लिए होता है कि आपने चाउमीन खा लिया, इटालियन मंचूरियन खा लिया और जापानीज पास्ता खा लिया, तो वो बहुत ज्यादा कैलोरी वाला है, उसके लिए तो वो 12 घंटे की फास्टिंग आप करती है। 18 घंटे वाली जो फास्टिंग है उसमें वेट कम होता है, तो वो रेगुलर हम लोग करा देते हैं कि आप 1 महीने रेगुलर आप करिए तो आपका वेट जो है 2 किलो से 5 किलो 3 महीने में कम हो जाता है, बिना किसी मेटाबॉलिक अल्टरेशन के, बिना जिम जाए हुए आप आराम से 2 किलो से 5 किलो तक आप 18 घंटे की हफ्ते में 3 बार आप कर सकती हैं, एक एक दिन छोड़ के 18-18 घंटे की फास्टिंग रखें, एक तो ये है। दूसरा
जो हम लोगों का शेड्यूल है वो 5/2 है, मैंने 5 दिन आप खाइए और 2 दिन मत खाइए, जैसे सोमवार और मंगल शनिवार को ना खाएं या मंगलवार बृहस्पतिवार को ना खाएं, इस तरीके से 5/2 कर दे तो उससे मोटापा बहुत कंट्रोल होता है, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की और लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज है, जिससे कि आप अपना फिगर मेंटेन करेंगी, आप ओबेसिटी मेंटेन करेंगी, क्योंकि इंटरनल ओबेसिटी एक बार पेट भर जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है। आप खूब जिम जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आप खाना बिल्कुल क्रैश डाइट पे लें, लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं है। इंटरमीटेंट इज द बेस्ट वन, इसमें हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और एंजाइम्स रेगुलेट होते हैं, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक रहेंगी, कहीं कोई बीमारी नहीं होगी, बहुत सी चीजें इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जी नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे, जो खाना ही नहीं खाते हैं अपने आप को पतला करने के लिए, मतलब कि सिर्फ पानी पे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रूट्स खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन चावल वगैरह अवॉइड करते हैं, क्या ये जरूरी है? चावल तो नहीं अवॉइड करने के लिए हम लोग कहते हैं, चावल उनके लिए है जो शुगर के मरीज हो। हम लोग जो डाइटिंग करते हैं उन लोगों को मीट प्रोडक्ट जरूर मना करते हैं कि आप रोटी थोड़ा सा कम कर दीजिए और मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। हम लोग कभी भी बटर और घी खाने के लिए नहीं मना करते हैं, आपको खाइए कोई दिक्कत नहीं, और आप जो है जब भी खाइए आप एक बार 12 घंटे 18 घंटे वाला सिस्टम रखिए, अगर वेट घटाना है तो 18 का नहीं तो 12 का। आप 9 बजे खाइए, नाश्ता कर लीजिए, खूब हेवी नाश्ता कर लीजिए, लंच की जरूरत नहीं, फिर रात में डिनर करिए 9 बजे, 12 घंटे का गैप मिल गया। ये बड़ा ही इस पे टेस्टिंग हुई है, क्लिनिकल ट्रायल है, बहुत इफेक्टिव रहा। दूसरी चीज, आप फ्रूट्स और फाइबरस फ्रूट्स भी लें, उससे काफी कंट्रोल